हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड्स सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर चल रहा है, जिसमें हम डिग्री निकालना और ऑर्डर निकालना, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम टॉपिक करा चुके हैं। आप जाकर इसे चेक कर सकते हैं अगर आपने अभी नहीं किया है, या मैं इसके आई बटन पर डाल दूंगी, आप उसे जरूर चेक कर लेना। और ये वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि ये वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ये जो टॉपिक चल रहा है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो या आपका कोई भी अदर एग्जाम हो, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिग्री और जो आपके ऑर्डर के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसी तरीके से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी का आगे कंटिन्यू करते हुए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारी इक्वेशन जो होगी वो कौन सी फॉर्म में होगी। कंसीडर ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम एक्स कॉमा वाई डी एक्स एंड एन एक्स कॉमा वाई डी वाई। आप ध्यान रखिएगा, ये जो इक्वेशन है एम डी एक्स वाली, ये केवल एक्स की फॉर्म में होनी चाहिए। यानी कि अगर हम इसको सही से लिखते हैं, एक फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि इस वाली फॉर्म में लिखते हैं, तो ये जो dx के साथ है केवल x वेरिएबल आने चाहिए और dy के साथ में केवल n वेरिएबल आने चाहिए। इस फॉर्म में पहले इक्वेशन को हम सॉल्व करके लिखेंगे अगर नहीं है, गिवन नहीं है, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। जैसे कि हमने लिख भी दिया है, एम एक्स कॉमा वाई को ए एक्स मान सकते हैं, जहां पर फंक्शन जो होगा एक्स ओनली, यानी कि केवल x का ही फंक्शन होगा। एम एक्स वाई को हम बी वाई मान लेते हैं, तो ये फंक्शन जो बी वाई होगा। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हमने इसको ए एक्स माना, तो ए एक्स डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व करके y की वैल्यू ले आनी है। तो इसी तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन को चलो लेकर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा गिवन है x प्लस वन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वन। तो देखिए, पहले तो मैं इसे पूरी इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ, उसके बाद ही सॉल्व करूंगी। फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है जो x के साथ है उसे x वेरिएबल में लेकर जाए और जो y के साथ है उसे y वेरिएबल में लेकर जाए। तो देखिए, y के साथ मुझे ये वाला वेरिएबल चाहिए, तो मैं y के नीचे क्या लेकर चली जाती हूँ, वाई स्क्वायर प्लस वन। यानी कि अगर ये y लिखा है, इसके नीचे ये ले गए क्योंकि मल्टीप्लाई में, इसको dx को मैं ऊपर ले जाती हूँ, dx इसके साथ तो ऑलरेडी x है ही। जब मैं इसको लेकर जाऊंगी तो ये डिनोमिनेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में आते ही ये हो जाएगा एक्स प्लस वन। तो देखिए, हमने जो है y वाली फॉर्म अलग कर ली, x वाली फॉर्म अलग कर ली है। देखिए, एक बार फिर बता देती हूँ, dy dy है तो dy के साथ ये नीचे आकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये dx ऊपर ले गए, x ऑलरेडी x के dx के साथ रहेगा, इसको फिर नीचे ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यानी कि मैंने x वाली टर्म और y वाली टर्म अलग कर ली, इसके लिए इसको सेपरेबल वेरिएबल मेथड बोलते हैं। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड का हमने इंटीग्रेशन किया। तो देखना, हम जानते हैं कि tan इनवर्स x की जो डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम इंटीग्रेशन लिख लेंगे, तो ये क्या हो गया आपका, tan इनवर्स y इज इक्वल टू। अब ये देखिए, इसका हम कैसे करें, एक रूल होता है, या तो इसको डिवाइड कर दीजिए, या आप एक काम कर सकते हैं, डिवाइड इसलिए नहीं कर सकते कि आप ये जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में बड़ी है और न्यूमिनेटर में छोटी है, तो एक ही मेथड होता है, एक आप प्लस कर दीजिए और एक माइनस कर दीजिए। मैं इसको यहां पर कर रही हूं, यानी कि x प्लस वन माइनस वन, एक हमने जोड़ा एक हमने घटा दिया। उसके बाद हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, यानी कि x प्लस वन अपॉन x प्लस वन इसके साथ चला गया और एक हमने बाहर ले लिया, यानी एक ये जो टर्म है इसके साथ ले ली और ये जो वन है इसको सेपरेट कर लिया। यानी कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ये देखिए कट गया, यानी कि x आ गया आपका, क्योंकि एक का जो इंटीग्रेशन होता है, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। यहां देखिए log की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि x प्लस वन, और यहां चल रहा था tan इनवर्स y। थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखते हैं, क्योंकि हमें तो y की वैल्यू निकालनी है। तो ये x, ऐसा भी हो सकता है इसको हम इसकी x की वैल्यू में लिख दें, या तो फिर हम इस तरीके से करते हैं, इस x को यहां पर ही रहने देते हैं x प्लस, या y को इधर ले जाते हैं और x की तरफ इधर रख लेते हैं। यानी कि केवल हमें क्या करना है, log की वैल्यू को सॉल्व करना है। मैं log को इधर ले जा रही हूं, log x प्लस वन, और ये आपका tan इनवर्स y, जब हम इसको इधर लेकर जाएंगे प्लस हो जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे x माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा।
देखिए लॉग में है, लॉग को उधर ले जाकर ई बन जाता है, हमने यहाँ एक्स प्लस वन लिखा और लॉग जब दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ ये ई की पावर में बन गया टेन इनवर्स वाई। एक बार और समझा देते हैं, लॉग लिखा है इधर, ये सिंपल हो गया तो लॉग हटते ही ये ई की पावर में इसका राइट हैंड साइड चला जाता है, एक्स प्लस वन हो गया ई की पावर में हो गया। भाई इसको आपको कुछ नहीं कर सकते, आप सीधे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई, ये आपने सिंपल तरीके से लिख दिया है। लेकिन देखिए हम एक चीज छोड़ गए हैं, अगर आप देखें तो इसको ना सेपरेट की तरह भी लिख सकते हैं, एक हमें लिखना भी पड़ेगा क्योंकि जब भी इंटीग्रेशन करते हो एक कांस्टेंट जरूर ऐड करते हो, तो हमने एक सी ऐड कर दिया, ये सी ऐड कर दिया तो ई की पावर सी बन जाएगा, ई की पावर सी को हम ए लिख सकते हैं, ए ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई। तो देखिए आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट जरूर जोड़ के चलना है क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जुड़ता है और डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट हट जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो अब आपको सेपरेबल वेरिएबल मेथड समझ में आ गया होगा, तो देखिए इसी तरीके से यही क्वेश्चन करेंगे। आप ये देख सकते हैं, देखना टेन वाई है, इसको हमें रिमूव करना है, यहां से हमें सेक स्क्वायर यहाँ पे वन माइनस ई की पावर एक्स रिमूव करना है। तो मैं क्या कर देती हूँ कि पूरी इक्वेशन को टेन वाई वन माइनस ई की पावर एक्स से डिवाइड कर देती हूँ। जब मैं इसे ई की पावर एक्स से डिवाइड करूंगी ये थ्री ई की पावर एक्स आ जाएगा, जब मैं इन दोनों टर्म से डिवाइड करूंगी तो ये टर्म कट जाएगी, केवल ये टर्म बचेगी, यानी कि आपका बचेगा वन माइनस ई की पावर एक्स, यहाँ पे डी एक्स चल ही रहा है, प्लस इसको देखिए जब इन दोनों टर्म से डिवाइड करूंगी तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, ये टर्म नीचे आ जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कौन सी टर्म कहाँ से ले जाए, तो देखिए जो ऑड टर्म है यानी कि डी एक्स के साथ जो वाई टर्म है और डी वाई के साथ जो एक्स वाले टर्म है, उसे दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो आपका सेपरेबल वेरिएबल अलग हो जाएगा। अब हमारा काम क्या है, केवल इसको इंटीग्रेट करना, ये इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए इसको इंटीग्रेट करके अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, देखिए टेन वाई है और इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो अगर डिनोमिनेटर में वो वैल्यू जिसका न्यूमिनेटर में डिफरेंशिएशन होता है उसका आंसर लॉग में आता है। तो आप सिंपल भी लिख सकते हैं, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ अगर आपको नहीं आता इंटीग्रेशन। तो देखिए टेन वाई को हम टी मान लेते हैं, ये हो गया सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी, और ये आपका जब हम यहाँ पर पुट करेंगे इसकी वैल्यू डी टू वाई डी स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या हो गई डी टी अपॉन टी, क्योंकि हमने टेन वाई को माना था टी, ये हो गया आपका इक्वल टू जीरो। तो इसको क्या मान सकते हैं लॉग टी, और टी की वैल्यू हमने ये पुट करी थी कि लॉग टेन वाई। अगर आपको ये इंटीग्रेशन नहीं आता तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर कर देना, लिख देना, जिससे कि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूं। मैंने इसको जल्दी इसलिए समझाया क्योंकि मे बी आप पढ़ रहे हो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, तो आपको ये इंटीग्रेशन निकालना आता हो। अगर नहीं आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं अलग अलग टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करके दिखाऊंगी, जिसमें चार से पांच टाइप होते हैं इंटीग्रेशन के, उन सबको सॉल्व कर देंगे। यहां लिख लेते हैं सी, लिख लेते हैं ये कांस्टेंट जो आएगा सी, इसको करते हैं अब अलग। तो देखना हमने थ्री बाहर लिया क्योंकि मुझे एक जोड़ना होगा एक घटाना होगा, तो मैं माइनस भी बाहर ले लेती हूं, यहां पर कितना हो गया ई की पावर एक्स अपॉन, जो मैंने माइनस बाहर लिया ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस वन डी एक्स। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, वही करते हैं, एक जोड़ते हैं और एक घटाते हैं, माइनस थ्री बाहर चल रहा है, ई की पावर एक्स में हमने एक घटाया और एक जोड़ दिया, ई की पावर एक्स माइनस वन डी एक्स, ये आपका सॉल्व कर चुके हैं हम, लॉग टेन वाई इज इक्वल टू सी चल रहा है। अब देखिए फिर से सेपरेट कर लेते हैं, माइनस थ्री के साथ में e की पावर x माइनस वन e की पावर x माइनस वन, एक आपका वन के साथ चला गया e की पावर x माइनस वन डी एक्स, और ये आपका चल ही रहे हैं बराबर में। अब देखिए काटेंगे तो हमें कितना हो गया वन हो गया, तो e की पावर थ्री ये काट के वन आ जाएगा, और वन का इंटीग्रेशन होता है x प्लस, ये लेकिन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस थ्री लॉग e की पावर x माइनस वन प्लस लॉग टेन वाई इज इक्वल टू सी। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने में हम क्या कर सकते हैं, लॉग वाली एक टर्म ले लेते हैं और बाकी का अलग ले लेते हैं, यानी कि c प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू
log 10 y अपॉन 3। ये 3 के देखिए अगर मैं इसको 3 लिखा ये और ऊपर ले जाऊं तो ये क्यूब बन जाता है। लॉग हमेशा जो बेस में होती है वो पावर बन जाती है, यानी कि इसको लिख सकते हैं e की पावर x माइनस 1 का क्यूब। अब मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहां पर ये हो गया आपका, अगर लॉग इधर ले जाएं तो e की पावर बन जाता है e की पावर c प्लस 3x इज इक्वल टू 10 y अपॉन e की पावर x माइनस 1 का क्यूब। थोड़ा सा और कर लेते हैं, e की पावर c इंटू e की पावर 3x इज इक्वल टू 10 y अपॉन e की पावर x माइनस 1 का क्यूब। ये देखिए कांस्टेंट है, इसको पूरा एक कैपिटल A लिख लेते हैं, तो ये हो गया A e की पावर 3x e की पावर x माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 10 y। यहां तक हम आंसर छोड़ सकते हैं, y की फॉर्म में आ गया आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। देखिए सेपरेट करते हैं, देखिए dy को इसके साथ लाने तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा dy इज इक्वल टू 1 प्लस y स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाते हैं डिनोमिनेटर में तो ये आपका 1 प्लस x स्क्वायर। आप सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। आप ध्यान रखिए जो इंटीग्रेशन होता है dx 1 प्लस x स्क्वायर वो tan इनवर्स x का होता है, तो ये सिंपल किसका हो गया tan इनवर्स y का इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी। आप इसे सी मान सकते हैं। इसको इधर लेकर टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सी। अब देखिए टेन इनवर्स ए और टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला है, तो हम सिंपल अप्लाई कर लेते हैं वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई एक्स। याद तो हो गई फॉर्मूला, यानी कि टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी। अब इस टेन को उधर ले जाते हैं, यानी कि वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू टेन सी। क्लियर, ये आपका कांस्टेंट हो गया, हम इसको ए मान सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू ए। थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख लें वाई माइनस एक्स इक्वल टू ए वन प्लस वाई एक्स, और y की वैल्यू कितनी हो गई x को उधर ले जाते हैं a1 प्लस वाई एक्स। देखिए सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका और इसको आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है y dx प्लस 1 प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स x dy इक्वल टू 0। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर करिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलती हूँ जो बहुत ज्यादा टिपिकल है और आपको देखने में भी परेशानी होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, ये 5th में कराती हूँ। क्वेश्चन है आपका, देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन तो आपको करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ये देखिए क्वेश्चन, जब आपके दो dy अपॉन dx, इसे देख के प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, इसे हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो पहले हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे y माइनस एक्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू, पहले a के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए वाई स्क्वायर प्लस ए dy अपॉन dx। अब हम क्या करेंगे dy अपॉन dx वाली टर्म को एक साथ ले लेंगे और बाकी को एक साथ ले लेंगे। तो अगर हमें लिखना है तो यहां पर क्या लिख लेंगे y माइनस ए वाई स्क्वायर, यानी कि y y वाली हमने एक साथ ले ली और dy अपॉन dx वाली अलग ले ली। तो मैं dy अपॉन dx कॉमन ले लेती हूं जिससे कि मुझे परेशानी ना हो। तो देखिए ये इस तरह गया तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि x बचा, और जब ये dy अपॉन dx लिया तो a बचा, ये हो गया x प्लस a dy अपॉन dx, यानी कि उधर ले जाकर हमने कॉमन ले लिया है। अब सिंपल वही काम जो हमने पहले किया था, यानी कि x वाली टर्म इसके साथ ले जाएंगे और y वाली टर्म इसके साथ ले जाएंगे। जब हम x वाली टर्म इसके साथ लेकर जाएंगे, यानी कि ये तो आपकी इधर आ गई y माइनस ए वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए डी वाई, बट ये दोनों अलग अलग हैं तो x प्लस ए को इधर ले जाते हैं और y माइनस ए वाई इसको इधर ले जाते हैं। तो ये क्या बन गया आपका डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, और वाई वाली को नीचे ले जाएंगे, यानी कि डी वाई अपॉन, देखिए वाई कॉमन ले लेती हूं मैं, वाई वन माइनस ए वाई। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए ये इंटीग्रेशन तो अलग है, ये इंटीग्रेशन अलग है। आपको जानते होंगे एक पार्शियल फ्रैक्शन होता है, पार्शियल फ्रैक्शन, अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए, इसका सोल्यूशन तभी बन सकता है
आई होप आपको पार्शियल फ्रैक्शन आते होंगे, अगर नहीं आते तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं इसके आगे का मतलब ये पूरा जो है जो सोल्यूशन तो अभी मैं डायरेक्ट बताऊंगी, आगे का मैं तभी बताऊंगी तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे मैं जल्दी बता देती हूँ क्योंकि कुछ लोगों को नहीं आता। तो देखिए, एक तो मानते हैं हम a अपॉन वाई प्लस बी अपॉन वन माइनस ए वाई, इस तरीके से मान लेते हैं, यानी कि सेपरेट करके वैल्यू मान लेते हैं, एक बार a के साथ ले जाते हैं एक बार b के साथ ले जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो बराबर वाली टर्म में इसको रख लेते हैं, पहले एलसीएम ले लेंगे वाई वन माइनस ए वाई, और जो क्वेश्चन है उसको बराबर में रख लिया। ये तो क्वेश्चन था हमारा, अभी हम dy कंसिडर नहीं करके चलेंगे क्योंकि ये इंटीग्रेशन का पार्ट होता है। हमने एलसीएम लिया तो a के साथ तो हमारा आ गया वन माइनस ए वाई, और b के साथ हमारा y आ गया। ये देखिए एलसीएम एलसीएम कट गए, बचा आपका a वन माइनस ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू वन, यानी कि एक बार तो हम a वाली वैल्यू जीरो रख लेते हैं, एक b वाली वैल्यू रख लेते हैं। पहले a वाली वैल्यू जीरो रखो, a वन माइनस ए वाई इज इक्वल टू जीरो, यानी कि a की टर्म हम जीरो रख लेते हैं, एक बार a जीरो रखते हैं एक बार b जीरो रखते हैं। जैसे मैंने a जीरो रखा तो हमारी वैल्यू क्या आ गई देखिए, यानी कि कॉफिशेंट को हम जीरो रखते हैं, वन इज इक्वल टू ए वाई हो गया। ये कॉफिशेंट को जीरो रखते हैं, वन माइनस ए वाई इज इक्वल टू जीरो, और हम यहाँ पर फिर y की वैल्यू क्या कंसिडर करके चल लेते हैं, y इज इक्वल टू वन अपॉन ए, यानी कि हमें y की वैल्यू वन अपॉन ए रखनी है। y की वैल्यू वन अपॉन ए रखते ही यहाँ पर क्या, वन अपॉन ए, ए से ए कैंसिल, वन आया, वन माइनस वन जीरो, और ये आ जाएगा बी, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, बी इंटू वन अपॉन ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू ए, सिंपल सा। जब हम इसको y की वैल्यू जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू जीरो रखने पर ये सारा जीरो, a इज इक्वल टू वन आ जाएगा, यानी कि a इक्वल टू वन, और a की हमारी वैल्यू हो गई वन। एक बार और समझा देती हूँ, पहले हमने सेपरेट करके रखा है, सेपरेट करने पर इस पर एलसीएम लिया है, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे वन वन माइनस ए वाई, ये कट गया आपका एलसीएम। जब एलसीएम लिया साथ में तो वाई के साथ में क्या आ जाएगा, ये वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, और ए के साथ आएगा वन माइनस ए वाई, बी के साथ आएगा वाई। एक बार इसके कॉफिशियंट को जीरो रख लेते हैं, एक बार इसके कॉफिशियंट को जीरो रख लेते हैं। जब मैंने ए के कॉफिशियंट को जीरो रखा तो वन इज इक्वल टू ए वाई आ गया, और वाई की वैल्यू आ गई वन अपॉन ए, यानी कि अब इस पूरी इक्वेशन में मैं वाई की वैल्यू वन अपॉन ए पुट करूंगी। तो यहां पर मैंने वाई की वैल्यू वन अपॉन ए पुट की तो ए से ए कैंसिल हो गया, वन माइनस वन जीरो, यानी कि ए का कॉफिशियंट जीरो हो गया, बी हो गया वन अपॉन ए, यानी कि बी इंटू वन अपॉन ए इज इक्वल टू वन। यहां देखिए मैंने लिख दिया था बी इंटू वन अपॉन ए इज इक्वल टू वन, और आपकी बी की वैल्यू उधर जाकर ए हो गई। आप इसको भी साथ में लेकर चलोगे राइट हैंड साइड को। सेम जब मैंने इसके कॉफिशेंट को जीरो रखा यानी कि वाई को जीरो रखा तो यहां पर जीरो हो गया, ए इंटू वन हो गया, ये जीरो हो गया, इक्वल टू वन हो गया, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो गई वन। अब हम यहां पर रख लेते हैं, यानी कि जो हमने सेपरेट किया था dx इक्वल टू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई प्लस डी वाई अपॉन वन माइनस ए वाई। तो ये देखिए a की वैल्यू मानी थी y के साथ में, a की वैल्यू कितनी आ गई वन, तो वन को तो हम लिख नहीं रहे फिर भी लिख के दिखा देते हैं, और b की वैल्यू कितनी आ गई थी आपकी a, तो यहां पर आ गया आपका a। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं इनका, तो ये आपका हो गया log x प्लस ए, क्लियर, और ये आपका हो गया log y, ये आपका क्या हो गया, देखिए जब इसको करेंगे ये log में जाएगा, log माइनस ए में जाएगा, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं आप चेक करिए, ये log बनेगा। देखिए log में मैंने पहले आपको बताया है, log जिसे भी मानेंगे इसमें अंदर मल्टीप्लाई, इसको अंदर डिफ्रेंशिएशन करके वही वैल्यू आनी चाहिए, माइनस ए आ रहा है तो ये माइनस ए लॉग वन माइनस ए वाई। अगर समझ में नहीं आया तो बता देती हूँ कैसे हैं, फिर से वही टी मानकर चलते हैं हम, वन माइनस ए वाई को हमने टी माना, तो डिफ्रेंशिएशन देखिए जीरो माइनस ए डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए ये ए वाई तो हमारे पास है ऑलरेडी, ए डी वाई, हम इसे क्या मानेंगे, इसे हम डी टी के इक्वल मानेंगे, बट क्या माइनस में मानेंगे, तो ये देखिए माइनस में इसका आंसर आएगा, माइनस ए लॉग ए वाई प्लस लॉग सी भी ले लेते हैं, प्लस लॉग सी, ये प्लस हमने लॉग सी में ले लिया, या तो आप सी भी खाली कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला कंसीडर, ये वाली वैल्यू मैं इधर ले जाती हूं, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, ए लॉग वन माइनस ए वाई इज इक्वल टू लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस ए,
ये आपका जो डिफरेंश इंटीग्रेशन में ए फिनिश हो जाएगा। अब इसको या तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, लॉग वन माइनस ए वाई प्लस लॉग एक्स प्लस ए इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस लॉग सी। ये लॉग में मल्टीप्लाई वाला प्लस में हो जाता है, यानी कि हम इसको सीख सकते हैं लॉग वन माइनस ए वाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू लॉग वाई इंटू सी। तो देखिए लॉग से लॉग आपका कैंसिल हो सकता है, केवल वाई की वैल्यू कितनी आ गई। ये हम सी भी लिख सकते हैं, सी वन माइनस ए वाई और एक्स प्लस ए, ये आपका आंसर हो गया। चाहे तो आप इसे सी को इधर भी ले जा सकते हैं। आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना है, साथ में गिवन है वाई जीरो इज इक्वल टू वन। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। वाई ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाती हूँ, वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स डी वाई। देखिये ये एक्स है, ये पूरा क्वेश्चन वाई के फॉर्म में होना चाहिए था, ये एक्स की क्वेश्चन है, ये वाई में भी है, तो वाई को इधर ले जाती हूँ, एक्स को उधर ले जाती हूँ। तो आप देखिए देख सकते हैं एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, मैं एक्स को उधर ले गई, वाई को जब लाऊंगी तो ये आपका माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई, सो ब्रैकेट में रखना है डी वाई। ये सिंपल सॉल्व हो गया, आप इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू माइनस में इधर ले लेती हूँ क्योंकि ये माइनस बार बार प्लस माइनस में गड़बड़ करेगा, माइनस एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए डिवाइड करेंगे इसको तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गए, यानी कि एक वाई बचा माइनस के वन अपॉन वाई बचा डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखिए इसका इंटीग्रेशन मैं अलग से करके दिखाती हूँ, फिर हम सही लिख लेंगे। ये इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए अगर मैं इसको टी मान लू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये देखिए ये पूरा का पूरा यहां पर रखा है बट टू नहीं है, तो टू से हम क्या करते हैं उधर ले जाते हैं, एक्स डी एक्स इक्वल टू वन बाई टू डी टी उधर जाएगा तो ये अपॉन में चला जाएगा। ये पूरा कंसिडर कर लेते हैं, पूरा कंसिडर करने का मतलब क्या बनेगा, यहां पर ये आपका हो गया वन बाई टू डी टी, ये पूरा हो गया, यानी एक्स और डी एक्स की जगह ये ई हो गया और हमने एक्स स्क्वायर को क्या रखा था टी, तो ये आपका सोल्यूशन कितना हो गया वन अपॉन टू ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी होता है, तो ई की पावर टी टी की से माना था वन बाई टू ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये पूरा सोल्यूशन आ गया है। तो हम इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं, माइनस के ई की पावर एक्स स्क्वायर और वन बाई टू चल ही रहा था, तो हम यहां लिखा हमने माइनस के वन बाई टू ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये हमने इसका पूरा सोल्यूशन निकाल लिया है। अब इसका निकालेंगे, तो इसको सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे, इसको सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे, आप जानते ही हैं एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो हमने यहाँ पे लिखा वाई स्क्वायर अपॉन टू और वन अपॉन वाई का लॉग वाई होता है लॉग वाई। अब हमने क्या मानना है प्लस सी और मान लेता है प्लस सी। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। सॉल्व करने का मतलब क्या है, पहले हम अलग अलग सेपरेट ले जाएंगे, सेपरेट ले जाते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस के वन बाई टू ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये टू एलसीएम लिया तो ये वाई स्क्वायर माइनस टू लॉग वाई, सी को उधर ले जाते हैं जिससे हमें टू की मल्टीप्लाई ना करें, सी तो हम कहीं भी जोड़ सकते हैं, जब हमने सी इधर जोड़ दिया है तो ये टू एलसीएम आया था, तो ये टू से टू कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपका सी माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस के टू लॉग वाई। अब मैं क्या कर रही हूँ, वाई को उधर ले जा रही हूँ, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वाई इधर ले गए तो और सी इधर लेगा या एक्स को इधर ले जाओ, तो आपका ये हो गया सी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस टू लॉग वाई प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर, यानी कि सारी हमने इक्वेशन प्लस में बना ली। अब हमको क्या निकालना था, हमें निकालना था क्वेश्चन में हमें गिवन था वाई जीरो की वैल्यू वन गिवन थी, यानी कि अगर ऐसे लिखा है तो एक्स की वैल्यू की जीरो पर वाई की वैल्यू वन है, अंदर जो चीज लिखा है वो एक्स की वैल्यू होती है और बाहर जो लिखा होता है वो वाई की वैल्यू वन होती है। रख लेते हैं सी इज इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी है वन माइनस टू लॉग वन प्लस ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो कितना होता है वन होता है, लॉग वन जीरो होता है, ये वन होता है, तो वन प्लस वन टू, सी की वैल्यू कितनी हो गई
टू। तो हम यहाँ पर वैल्यू कंसिडर करके आंसर लिख सकते हैं, यानी कि ये सोल्यूशन हो गया टू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस टू लॉग वाई प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर। इसका पूरा सोल्यूशन हमने यहाँ लिख दिया, यानी कि सी की वैल्यू क्या आ गई थी आपकी टू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस टू लॉग वाई प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज कमेंट पर जरूर लिखना मत भूलिए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। हम मेहनत करके आपकी वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया उसका आंसर भी जरूर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी के होमोजीनियस इक्वेशन होंगी, डिफरेंशियल इक्वेशन उसके साथ आएंगे। इसके 4 से 5 टॉपिक है, आप बने रहिए साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।